भी आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने अभी अपना ठिकाना यहीं पे बना दिया। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन अभी रोड पे खाना बना रहे हैं, हर चीज़ इनकी यहीं पे होगी जब तक पानी। अभी घास लेके आ रहे हैं पानी में से, तो ऑलमोस्ट पानी की भरी हुई सारी फसल, सारी पानी की भरी हुई है। उस तरफ भी एक भाई साहब आ रहे हैं, यहाँ देखें ये इनकी फसल है और ये पूरी की पूरी पानी में आ गई। तो बस यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हो ये पुल बांधा हुआ है और यहाँ पे अपने हिंदू भाई काम कर रहे हैं ये जो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय सनातन धर्म की। तो आज ये कौन ब्लॉग आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि बिल्कुल खास में या फिर सिंध या पूरे पाकिस्तान में जो बारिश हुई है, एक प्रोविंस में हुई है बारिश हुई है, तो लोग काफ़ी रोडों पर आ चुके हैं, तो उसमें अपने हिंदू भाई ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो अभी हम जाने वाले हैं भाई वो देखने के लिए, और वीडियो में एंड तक देखिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी जो कंडीशन है बारिश की वजह से सारे अपने हिंदू भाई जो कच्चे घर थे वो सारे रोड पे आके अपनी झुपड़ियाँ बना के बैठे हैं, तो वो हम देखने वाले हैं। तो भाई अभी यहाँ से मूव होते हैं, अभी रोडों के ऊपर झुपड़ियाँ बना दी है क्योंकि बारिश की वजह से उनके जो पहले रह रहे थे वो झुपड़ियाँ भर गई पानी से नीचे हरी जगह, और अभी रोड के ऊपर आ चुके हैं अपने हिंदू भाइयों के घर है। अभी टेंट लगा दिए, ये रोड पे भी झुपड़ियाँ बना रहे हैं, बना के रखे ये अपने हिंदू भाई लग रहे हैं, उन्हें रोड के ऊपर घर बना दिए और यहाँ पे झुपड़ियाँ बना के बैठे हैं, क्योंकि इनकी बंदी वगैरह सारी पानी की भर गई है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि भाई इन्होंने अभी अपना ठिकाना यहीं पे बना दिया। अगर ज़्यादा बारिश होती है तो इनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है, लेकिन अभी रोड पे खाना बना रहे हैं, हर चीज़ इनकी यहीं पे होगी जब तक पानी नहीं छूटता। तो उसी तरह से अगर गांव की साइड निकलेंगे तो उस तरह कुछ ज़्यादा ही ये सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि उनके घर मिट्टी के बने हुए होते हैं, तो वो गिर जाने की वजह से वो अपना ठिकाना जो बनाते हैं रोड के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पानी नहीं पहुँचता। यहाँ पे भी कुछ लोग अपना घर बना रहे हैं और काफ़ी बना चुके हैं यहाँ पे, ये देखें छोटी छोटी झुपड़ियाँ बना रहे हैं, यहाँ पे रहेंगे, इनका भी रहन सहन यहीं पे रहेगा। इस तरह भी आप देख सकते हैं किसी ने टेंट लगा दिया, कोई पाल बांध दिया इसी तरह से। तो भाई इस तरह आप देख सकते हैं कि भाई कितना पानी और बारिश हुई है, कहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और ये देखे भाई नहर, ये पानी की नहर फुल हो चुकी है, और यहाँ पे ये लोगों के घर आप देख सकते हैं जो रोड पे आ चुके हैं, इनके घर ये सामने नीचे बने हुए थे लेकिन अभी ऊपर आ चुके हैं यहाँ पे, इनके मतलब के घरों में पक्का पानी आ चुका है। ये देखे सामने जो आपको घर नज़र है, और ये देखें सर हमें यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो अपने घरों से बाहर आके यहाँ पे अपने घर बना के बैठे हुए हैं। ये पानी ऐसे घास काट के उठा के आ रहे हैं, और यहाँ पे ये भाई लोग अभी जंतर काट के लेके आ रहे हैं क्योंकि सारी तबाह हो चुकी है, और ये भाई साहब अभी घास लेके आ रहे हैं पानी में से, तो ऑलमोस्ट पानी की भरी हुई सारी फसल, सारी पानी की भरी हुई है। उस तरफ भी एक भाई साहब आ रहे हैं, यहाँ देखें ये इनकी फसल है और ये पूरी की पूरी पानी में आ गई। मैं जा रहा था यहाँ से, चलो ये भी देखते हुए चले। जी गाइस, इनसे पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे ये बारिश हुई, ये घास वगैरह निकाल लेते, आपका घर कहाँ पे पानी में आ गए सारे कहाँ पे घर? अच्छा, ये फसल यहाँ पे आपकी लगाई हुई थी, सारी डूब गई। कौन सी फसल लगाई हुई थी आपकी? फुटी थी और कमान थी। अच्छा जी, तो अभी आप घास ला रहे हो ना? तो गाइस ये घास यहाँ से लेके आए, उनके तकरीबन घर पानी में आ चुके। उस तरफ भी अपन चलते हैं देखने के लिए, तो अभी ये भाई साहब काम कर रहे हैं। चलो आगे हम चलते हैं इस तरफ और देखते हैं कंडीशन के भाई आगे सिचुएशन क्या है। ये भूसा है, भूसा उठा के जा रहे रिक्शे में भाई हमारे यहाँ। वेस्ट करंट सिचुएशन ऑफ द हिंदूज हाउसेस, और यहाँ पे पानी इतना इकट्ठा हुआ है कि आधे से ज़्यादा घर डूब चुके हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं सामने। ये देखिए कितना पानी खड़ा हुआ है, और ये कमर तक पानी है इसमें से, जब लोग क्रॉस कर रहे थे मैकेनिक गुजरा तब यहाँ कमर तक पानी आ चुका है। और यहाँ पे ये देखिए ये स्कूल है, आधा से आधा स्कूल अंदर पानी में जा चुका है, और किलाई वालों भाई वालों का घर इनमें ही है, किला मान जी राना ब्लॉक्स, इनके घर यहाँ पे है भाई ये पानी के बीच। जिन्हें दो दिन बारिश हुई थी उस वजह से ये इतना सारा पानी इकट्ठा हुआ है, लेकिन इनके पास जो पानी आ रहा है वो बन्नी में से ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरफ जी आप देख सकते हैं पूरी फील्ड पानी में आ चुकी है, पानी के लपेट में, और यहाँ से पुल बांध है, और ये पुल यहाँ पे बांधा जा रहा है कि पानी इस तरफ ट्रांसफ़र ना हो। ये देखिए इस तरफ फसल लगी हुई है उसमें पानी ना आए, तो उस वजह से ये अभी
यहाँ पे पानी रोकने के लिए पुल बांध रहे हैं। तो गाइस फाइनली अभी मैं पहुंच चुका हूं घर पे और करंट कंडीशन आप लोगों ने देख ली कि थोड़ी सी बारिश होने की वजह से कितने लोग घरों से बाहर आ चुके हैं। तो उसी तरह से जब ज़्यादा गांव की साइड निकलते हैं, ये तो मैं अपने सिर्फ जो हाईवे रोड था उसकी साइड गया था, लेकिन अपने गांव की साइड हम जाएंगे कल। तो कल आपको हम दिखाएंगे भाई गाँव की साइड क्या कंडीशन है जो आउट ऑफ सिटी रह रहे हैं, लेकिन सिटी में इतनी कोई दिक्कत नहीं है हर चीज़ की, बाकी सारी चीज़ें सेट है। बट बारिश होती है तब पानी होता है, बट पानी कुछ दिन में ही निकल जाता है। पर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दें, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे न्यू ब्लॉग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं कोई न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।